नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो वर्तमान शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, नामों में परिवर्तन है, मैंने पिछले व्याख्यान में आपको समझाया था। हमने यहाँ देखा कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय शासन है उसमें प्रधान है, वो प्रधानमंत्री पुरोहित है और 18 विभाग हैं। वहाँ तक अब आपने पढ़ा, आज हम इसी के संदर्भ में इसी को आगे बढ़ाते हुए इसका है कि उनको वेतन किस कैसे दिया जाता था या वेतन देने का क्या तरीका था। तो वेतन प्राय मुद्राओं में दिया जाता था, किंतु धन की कमी होने पर वनोपज पशु व अल्प हिरण्य में वेतन चुकाया जाता था। वेतन इतना होता था कि वेतन भोगी सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उपयुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्ष को मेगास्थनीज व स्ट्रैबो ने मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार थे, पहला पाणाध्यक्ष यानी वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, दूसरा सुराध्यक्ष या आबकारी विभाग का अध्यक्ष था, तीसरा सुनाध्यक्ष वो बुड़चड़ खाने का अध्यक्ष था, चौथा गणिकाध्यक्ष ये गणिकाओं का अध्यक्ष था, पांचवा सीताध्यक्ष ये राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष था, छठा आकराध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष था, सातवा कोष्ठाकराध्यक्ष यानी कोष्ठगार का ये अध्यक्ष था, आठवा उपाध्यक्ष यानी वनों का अध्यक्ष, और नवा आयुधाग्राध्यक्ष आयुधाघर का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष यानी व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष यानी कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष, राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था, गो अध्यक्ष यानी पशुधन विभाग का अध्यक्ष, विविधाध्यक्ष यानी चाराग्रहों का अध्यक्ष। इसके अनेक कार्यकों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाजरानी का अध्यक्ष, पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष हथियों का अध्यक्ष, श्रुवाध्यक्ष श्रुवाणाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष, अस्पटलाध्यक्ष महालेखाकार। ये विभिन्न जो हैं जिनके विभाग हैं और विभाग अध्यक्षों के नाम हैं। इन अध्यक्षों को 1000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रथम श्रेणी के आमात्य मंत्रिण के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के आमात्य मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा तृतीय श्रेणी के आमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। और इसी क्रम में बहुत कम अवधि में एक विशाल सुसंगठित सोपानातक अधिकारी तंत्र का सफलतापूर्वक गठन मौर्य प्रशासन की एक महान उपलब्धि है। अब आता है कि प्रांतीय शासन। आपने पढ़ा केंद्रीय शासन, जैसे कि हमारे भी यहाँ होता है, सेंटर की होती है और स्टेट की गवर्नमेंट होती है, वैसे अब है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो उसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हिमवत समुद्र पर्यंत प्रसारित साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभिन्नता। इस दृष्टि से मौर्य शासक भारतीय इतिहास में वास्तविकता सार्वभौमिकता के नवयुग का निर्माण करते हैं। शासन की सुव्यवस्था के लिए संपूर्ण साम्राज्य यद्यपि केंद्र
द्वारा राजा के अंतर्गत शासित होता है, पर शासन की सुविधाओं के लिए उसको प्रांत में शासन पहले जो राज्य में है, फिर उसके बाद जिला स्तरीय है, फिर निगम में है और फिर ग्रामीण शासन व्यवस्था है। प्रांतों का प्रशासन वॉइसराय उसी रूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की ही भांति प्रांतीय शासन में भी मंत्रिपरिषद होती थी। प्रांत ये मंत्रिपरिषद का केंद्र से सीधा संपर्क होता था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। बच्चों, ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है और आपके एग्ज़ाम में भी परीक्षा पत्र में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप देखें कि अशोक के काल में कौन कौन से 5 जो प्रांत थे उनके नाम हैं। पहला है प्राचाय, प्राचय। प्राचाय इस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये प्रदेश सम्राट के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत था, मतलब इसका संबंध सीधा सम्राट से था। दूसरा है उत्तरापथ, उत्तरापथ इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, कश्मीर, काबुल, कंधार, हेरात एवं बलूचिस्तान के भाग सम्मिलित थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरा है अवंती राष्ट्र, अवंती गुजरात, मालवा, काठियावाड़ तथा अन्य भाग अवंती प्रदेश के अंग थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। चौथा कलिंग, इस प्रदेश की राजधानी तोसिली थी। कलिंग की क्या है? तोसिली। पांचवा दक्षिणापथ, दक्षिण आप इसको याद रखेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे प्राचा है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, तो पी देश पी यानी प्राचा है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। फिर दूसरा है उत्तराफत, तो यू इज इक्वल टू टी, उत्तराफत से इसकी राजधानी तक्षशिला। फिर है अवंती राष्ट्र, अवंती यानी ए और राजधानी है उज्जैनी, तो यू ए यू। चौथा है कलिंग और राजधानी है तोसिली, तो के और टी, के और टी, के इज इक्वल टू टी। दक्षिणाफत इसकी राजधानी है स्वर्णगिरी, तो साउथ और स्वर्णगिरी एस कर दो, एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इन पांचों प्रांतों के अंतर्गत अनेक छोटे बड़े मंडल थे, जिनमें कुमारों के अधीन महामात्य शासन करते थे। अशोक तथा कुणाल राजा बनने के पूर्व ही उज्जैनी, तक्षशिला आदि के कुमार नियुक्त थे। तोसिली के अधीन सुमात्रा में, पाटलिपुत्र के अधीन कौसाम्बी में और सृंगेरी के अधीन तक्षशिला में महामत्य नियुक्त थे। सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय तुसाफा यहाँ का प्रशासक था, जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। अर्थशास्त्र के अनुसार इनका वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक था। हो गया, और फिर है मंडल एवं जनपद शासन। तो मंडल एवं जनपद शासन में प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जिनकी क्षमता हम आधुनिक कश्मीरियों में स्थापित कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रदष्टा नामक अधिकारी, प्रदष्टा जो नामक अधिकारी है वो मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में इसी को प्रादेशिक कहा गया है, प्रधान और प्रादेशिक। वे अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था।
तथा समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या विषय। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिससे में 800 ग्राम होते थे, यानी 800 गांव होते थे। स्थानीय के अंतर्गत दो मुख प्रत्येक में 400 ग्राम होते थे। दोणमुख के नीचे खारवटिक तथा खारवटिक के अंतर्गत 20 संग्रह होते थे। प्रत्येक खारवटिक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रह में 10 ग्राम थे। ग्राम से यह मतलब गांव है। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी तथा राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करते थे। जैसे यहाँ पे जिलों को विषय कहा गया है, मैं बार बार कह रही हूँ, कई बार आ जाता है मौर्यकालीन जिलों को क्या कहा जाता है, यह विषय किससे कहते हैं, तो विषय से यहाँ जिले हैं, जहाँ हमारे यहाँ जिला स्तरीय शासन, जिसमें प्रमुख होता है कलेक्टर। फिर आते हैं हम निगम, छोटी इकाई है नीचे की, वो है ग्रामीण शासन व्यवस्था। तो उसमें आता है सरपंच, और उस समय जो कहलाते थे अधिकारी गोब, जो पूरे 10 ग्रामों के ऊपर शासन करता था। समझ रहे आप, इसको इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है, प्रांतीय शासन, मंडल तथा जनपद शासन। प्रांतीय जो शासन है उसको, जो प्रशासन है वो केंद्रीकृत नहीं है, इसका क्या हो रखा है, विकेंद्रीकरण, इसको बांट दिया गया है। इसको एक इंडेक्स से भी आप समझ सकते हैं, जैसे केंद्र, सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत, प्रांत में जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है कुमार, यानी राजा का पुत्र या आर्य पुत्र। फिर प्रांत के बाद आता है मंडल, मंडल में जो प्रमुख अधिकारी होता है वो प्रदेष्टा या प्रादेशिक, जैसे हमारे आपने पहले सेंटर केंद्र, फिर स्टेट प्रांत, उस समय उस यहाँ का स्टेट और उस समय का प्रांत। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट और उस समय का मंडल, समझ रहे हैं आप। फिर आता है आहार या विषय या जिला, तो इस समय का जो डिस्ट्रिक्ट, उस समय का आहार या विषय या जिला, उसका जो प्रमुख अधिकारी है वो विषयपति, अभी वर्तमान समय में कलेक्टर। स्थानीय 400 ग्रामों का समूह यानी तहसील, उसमें होता है प्रधान। खारवटिक यानी 200 ग्रामों का समूह प्रधान। फिर संग्रह 10 ग्रामों का समूह, जिसका प्रमुख अधिकारी गोप, यहाँ होता है SDM। फिर होता है ग्राम, प्रमुख अधिकारी ग्रामीण, और हमारे यहाँ होता है गांवों में सबसे प्रमुख क्या होता है, सरपंच। इसको आप वर्तमान शासन व्यवस्था से समझेंगे बच्चों, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बस नामों में अंतर है, लेकिन जो व्यवस्था का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, वो हजारों वर्ष पुराना यूं का यूं ही है। जिलों और ग्रामों के बीच दो प्रमुख अधिकारी स्थानिक और गोप थे। स्थानिक ग्रामों से वो राजस्व इकट्ठा करते थे, जबकि उसे लिखने का कार्य गोप का था। इस प्रकार स्थानिक स्थिति गोप से अधिक महत्वपूर्ण थी। फिर आ जाता है नगर प्रशासन। मेगस्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। उसने नगर प्रमुख अधिकारी को अस्तोनोमाई यानी महर, उस समय का अस्तोनोमाई और अभी का महर। कोटली के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक तथा पूर्व प्रमुख होता था, महापौर। नागरिक के निम्नलिखित कार्य थे, नगर की सफाई, जो भी हमारे जो निगम के करते हैं, अपरिचित यात्रियों पर नियंत्रण, अगिन से मकानों की रक्षा, भोजन की शुद्ध प्राप्ति। ये उस समय के अंतर है यहाँ की और उस समय की शासन व्यवस्था। उसके लिए उसने 6 समितियाँ बना दी हैं, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। समितियों में जैसे शिल्पकला समिति, नगरों की सड़कों व भवनों का निर्माण करना, नगर की सफाई का कार्य कराना इसका काम था। विदेश समिति, इसका मुख्य कार्य विदेशियों के रहन खान, दवा, मृत्यु जाने पर उनकी परंपरा के अनुसार सावधान की व्यवस्था करना। जनसंख्या समिति,
इस समय इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना, और फिर है चौथा उद्योग व्यापार समिति, इसका मुख्य कार्य उद्योग एवं व्यापार का नियंत्रण, वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण। मिलावट पर रोक लगाती थी। नई और पुरानी दोनों प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग प्रबंध था। कर निरीक्षण समिति, इसका कार्य प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों के विवरण, करों की चोरी को रोकना, करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड देना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौर्य युग के जो नगर प्रशासन का कार्य, इसको अंडरलाइन कर लेना, मौर्य युग के नगर का प्रशासन का कार्य आजकल की नगर पालिकाओं के समान था, परंतु नगर समितियों का सदस्यों का निर्वाचन होता था अथवा राज्य की ओर से मनोनीत किए जाते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ तो पढ़ लिया आपने नगरीय शासन व्यवस्था, अब जो आएगा वो है ग्रामीण प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होता था, ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता था, जैसे कि सरपंच है आज के समय में, और इसके प्रमुख कार्य आपको पता है तो मैं इसको ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताऊँगी। फिर उसके बाद है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था जो है इसको अपन उसमें अगले उसमें देखेंगे, अगले उसके व्याख्यान में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो शासन का स्वरूप है मेरे को लगा है कि आपको समझ में आया होगा, और वर्तमान शासन व्यवस्था से आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अधिक समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।